हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 15 करने वाले हैं। हमारे चैप्टर 15 का नाम है बच्चों, सामान्य अशुद्धियां, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉमन एरर्स, ठीक है। यानी कई बार बेटा बोलते हुए या लिखते हुए हम गलती कर देते हैं या फिर असावधानीवश हम कुछ शब्दों को अशुद्ध लिख देते हैं, ठीक है। अशुद्ध मतलब अशुद्ध लिख देते हैं या गलत लिख देते हैं। तो ये अशुद्धियां कई प्रकार की हो सकती है बच्चों। देखिए, आपकी बुक में भी दिखाया हुआ है कि हम कई बार लिखते हुए या बोलते हुए जिन जिन गलतियों को कर देते हैं वो गलतियां किस तरह की हो सकती हैं। वो गलतियां बच्चों देखो, कई बार तो क्या होता है कि मात्रा संबंधी अशुद्धियां हो जाती है, यानी जहां छोटी की मात्रा लगनी होती है वहां हम बड़ी की लगा देते हैं, और कई बार जहां बड़ी की मात्रा लगनी होती है वहां हम छोटी की मात्रा लगा। तो ये होती है बच्चों मात्रा संबंधी अशुद्धियां, यानी मात्रा संबंधी गलतियां। कई बार क्या होता है बच्चों, वर्ण संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं, यानी वर्ण से संबंधित अशुद्धियां, जैसे कई बार कोई दूसरा वर्ण लगना होता है लेकिन हम दूसरा वर्ण लगा देते हैं, आधा वर्ण लगना होता है लेकिन हम पूरा वर्ण लगा देते हैं, और कई बार क्या होता है बच्चों, संयुक्त अक्षर संबंधी भी गलतियां हो जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों अशुद्धियां कई तरह की हो सकती हैं। अब देखिए, आपके इस चैप्टर में आपको क्या करना है बच्चों, इस चैप्टर को कंप्लीट आपको रीड करना है। रीड करने से ही आपको पता लग जाएगा कि हम गलतियां कहां कहां करते हैं और किस तरह की गलतियां हमसे होती है। अब देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, हम बोल देते हैं कई बार चलाक की ज्यादा चलाक मत बनो। वो चलाक नहीं होता बच्चों, क्या होता है, ज्यादा चालाक मत बनो, ठीक है। चलाक नहीं होता, वो क्या होता है, चालाक होता है। लेकिन आम लोकल लैंग्वेज में हम कई बार बोल देते हैं, या आपने अपने बड़े बुजुर्गों को बोलते हुए सुना होगा या किसी को भी बोलते हुए सुना होगा कि वो चालाक ना बोलकर कई बार क्या बोलते हैं, चलाक। तो चलाक नहीं होता बच्चों, चालाक होता है। नेक्स्ट है बच्चों, नालायक। अब वो होता क्या है, एग्जैक्ट यानी शुद्ध जो शब्द होता है वो होता है नालायक, और कई बार इसे गलत बोल दिया जाता है, लिख दिया जाता है, कैसे, नलायक, ठीक है। अब ये दूध में बड़े ओ की मात्रा आती है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जो दूध फैक्ट, ये क्या कहते हैं बच्चों, जो दूध में से फैट वगैरह निकालते हैं उनके बाहर, गेट के बाहर, या जो उनका फैक्ट्री का जो गेट होता है उसके बाहर दूध लिखा होता है, लेकिन कई बार गलती से वो गलत लिखा होता है। क्या उसमें बड़े ओ की मात्रा लगनी होती है लेकिन वहां छोटे ओ की मात्रा लग जाती है। ये कई बार बेटा मैंने भी नोटिस की है, ठीक है। तो ये गलती, अगर ये समझ हमारे अंदर है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ मिस्टेक हुई है ना, गलती हुई है यहाँ पर। अब होता क्या है बच्चों, दीवार, ठीक है, और ये क्या लिखा है, दीवार, दीवार नहीं होता, दीवार होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, पूज्य, पूज्य होता है ना कि पूज्य। अब ये पूज्य है बेटा क्योंकि इसमें छोटे ओ की मात्रा लगी हुई है, और आती कौन सी ओ की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा। आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ इन्हें पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने से, इसको दो बार रीड करने से आपको पता लग जाएगा कि हम किन किन शब्दों को लिखने में बोलने में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आपको ये पढ़ लेना है बच्चों अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी चैप्टर में बच्चों, अशुद्ध वाक्य, यानी कई बार हम वाक्य जब बोलते हैं, वाक्य बनाते हैं या वाक्य लिखते हैं तब भी हम गलतियां कर देते हैं, और गलत वाक्य भी आपके सामने दिया हुआ है और उसका सही रूप भी आपके सामने दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, उसके पास दो पुस्तक है। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने यहाँ पढ़ा उसके पास दो पुस्तक है, और हमें पता है बच्चों अगर एक है तो पुस्तक है, सही होगा, लेकिन यहाँ दो लिखा हुआ है। अब दो है तो बहुवचन रूप हो गया, अब यहाँ है न आकर क्या आएगा बच्चों, है आएगा और उसके ऊपर अनुस्वार आएगा, तो हमारा जो सही वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, उसके पास दो पुस्तकें हैं। अब पुस्तक का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, पुस्तकें। नेक्स्ट है बच्चों, मैंने खाना खाना है। अब वाक्य सुनने में ही कुछ अटपटा लगता है, लगता है ना, हमें पता है ये वाक्य गलत लिखा हुआ है, और सही वाक्य क्या होगा, मुझे खाना खाना है, सेठ जी ने मुझे 100 रुपया दिया। अब ये वाक्य गलत है, और इसी का सही वाक्य क्या होगा, सेठ जी ने मुझे 100 रुपये दिए। नेक्स्ट है बच्चों, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब ये वाक्य भी हमारा रॉन्ग है, और इसी वाक्य को सही हम कैसे बना सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
ताजा गाय का दूध ले आओ। अब इसमें वाक्य को पढ़ने से हमें पता है कि ये वाक्य गलत है। अब इसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, गाय को ताजा बताया गया है ना कि दूध को ताजा बताया गया, तो हम इसे सही करेंगे और क्या लिख देंगे, गाय का ताजा दूध ले आओ। अब जो हम बात करें वो दूध की बात करेंगे, दूध ताजा, ठीक है। और यहां पर ये वाक्य क्या कह रहा है कि गाय ताजा है ना, गाय ताजा होती है नहीं ना, ताजा गाय का दूध ले आओ, तो ये हमारा सही वाक्य क्या बनेगा, गाय का ताजा दूध ले आओ। नेक्स्ट है बच्चों, हमेशा सच बोलनी चाहिए। अब बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए, तो हमारा सही वाक्य क्या होगा, हमेशा सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है, रमेश ने ही यह बात बताया। अब रमेश ने ही यह बात बताई या बताया, रोंग है ना वाक्य, और इसी का सही वाक्य क्या होगा, रमेश ने ही यह बात बताई थी। रमा को काटकर तरबूज खिलाओ। अब देखिए वाक्य सुनने में गलत लग रहा है ना, बिल्कुल गलत लग रहा है, और इसी का सही वाक्य क्या बनेगा, रमा को तरबूज काटकर खिलाओ। किसान के पास दो गाय थी, किसान के पास दो गायें थी। अब दो आ गया ना बच्चों, और गाय आया हुआ है, लेकिन हमें पता है जब दो आ गया तो ये बहुवचन है, तो ये भी हमारा बहुवचन होगा, ये भी हमारा बहुवचन होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दो गाय का क्या हो जाएगा, गायें, और थी का थी। नेक्स्ट है बच्चों, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एक व्यक्ति अगर कोई है लेकिन उसके आदर सम्मान के लिए भी हम है का यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिताजी हैं, अब पापा यानी पिताजी एक ही है, अब हम बोल रहे हैं पिताजी बाजार गए हैं, अब हमने किसका यूज किया, है का नहीं, है का यूज किया, अब उसके ऊपर हमने अनुस्वार लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वहां रिस्पेक्ट देने के लिए, वहां आदर देने के लिए हम बहुवचन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मुझे एक मोती का हार दिला दो। आप देखिए इसमें वाक्य में क्या समझ में आ रहा है कि एक मोती का हार, और एक मोती का कोई हार बनता है, नहीं बनता ना, और हम इसको वाक्य को सही करेंगे, क्या हो जाएगा, मुझे मोती का एक हार दिला दो। छत में कुछ लोग खड़े थे। अब छत में खड़े होते हैं या बच्चों छत पर खड़े होते हैं, छत पर ना, तो हमारा वाक्य सही क्या होगा, छत पर कुछ लोग खड़े थे, ठीक है बच्चों। और इसी के साथ हम इसकी एक्सरसाइज भी आज देख लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी नहीं है बच्चों, और इजी भी है, आपको गलत वर्ड दिए गए हैं और आपको उसे सही करके लिखना है। अब हिंदू, हिंदू में कौन से उ की मात्रा आती है, उच्चारण के साथ ही हमें पता लग जाता है, हिंदू में कौन से उ की मात्रा आएगी, बड़े उ की। पत्नी बड़ी की मात्रा आएगी, ये रोंग है, हमें सही करके लिखना है। बीमारी बड़ी की मात्रा आएगी, और ब पे भी बड़ी की मात्रा आएगी, इसे हमें सही करके लिखना है। और ये लिखा हुआ है बच्चों सामाजिक, सामाजिक नहीं होता वो, सामाजिक होता है, इसे हमें सही करके लिखना है। नेक्स्ट है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब हमारे सामने ये वाक्य गलत लिए गए हैं, हमें इन्हें शुद्ध करके दोबारा लिखना है। मेरे को भूख लगी है, और ये वाक्य शुद्ध में कैसे लिखेंगे, मुझे भूख लगी है। तुम कब आया, तुम कब आए। उसे ताजे गन्ने का रस पिलाओ, उसे गन्ने का ताजा रस पिलाओ। आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों सोचने की बारी। इनमें से शुद्ध शब्द है, अब इसमें से जो शुद्ध है वो हमें टिक करना है। कौन सा शुद्ध है बच्चों, ये वाला हमारा शुद्ध है, तो इस पे हमें टिक कर देना है। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से शुद्ध शब्द है। अब इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है बच्चों, कौन सा है, परमात्मा, ये वाला ना, क्योंकि ये तो दिखने से ही हमें गलत लग रहे हैं, ये हमारा सही, तो हमें इसी पर टिक करना है। नेक्स्ट है बच्चों, पिक्चर को देखना है आपको, यानी चित्र देखकर शुद्ध वाक्यों के सामने सही का निशान लगाना है। चित्र देखकर आपको बताना है कि कौन सा हमारा वाक्य सही है। रामू केले बेच रहा है, रामू केला बेच रहा है, कौन सा सही है, ये वाला सही है, और इसी के सामने हमें टिक करना है। क्यों सही है बच्चों, क्योंकि रामू एक केला बेच रहा है, या रामू केले बेच रहा है। केले हम किसके लिए यूज करते हैं, बहुवचन के लिए, जब चीज एक से ज्यादा होती है। अब इसके पास केले एक से ज्यादा है ना, तो हमारा वाक्य कौन सा सही होगा, रामू केले बेच रहा है। नेक्स्ट है, ओह मेरे पेट में पेट दर्द हो रहा है। अब हमें पता है बेटा कि पेट दर्द होता ही कहाँ है, पेट में ही होता है, तो हमारा वाक्य ये तो गलत हो गया। हमारा सही कौन सा होगा, ओह मुझे पेट दर्द हो रहा है। अब यहाँ पेट, पेट का जिक्र दो बार किया गया, जबकि हमें पता है पेट दर्द तो पेट में ही होता है, तो पेट बोलने की तो जरूरत है ही नहीं, तो हमारा वाक्य कौन सा सही होगा, यही सही होगा, और इसी पे हमें टिक करना है। ओके बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।